जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान। तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। आज का दिन बुधवार 24 मई। आज पुनर्वसु नक्षत्र 3:06 तक बृहस्पति स्वामी है, उसके बाद पुष्य नक्षत्र का उदय होगा, शनि स्वामी होगा। आज जेठ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आप बड़े भाग्यशाली हैं, सफल बनने और कामयाबी प्राप्त करने में आज सितारे आपके अनुकूल हैं। परिस्थिति आपके अनुकूल है, पर आज आपको थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब पुष्य नक्षत्र आएगा, शनि का प्रभाव आपके जीवन को प्रभावित करेगा। उस समय बृहस्पति के साथ राहु का गोचर हो रहा है। आज आपको ऐसे काम से बचना होगा जिसमें आपको कलंक लग सकता है, यानी आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाएंगे, अच्छा आपके हाथ से होगा भी, पर बदले में आपको वाहवाही नहीं मिलेगी, बदले में कलंक का दोष लगेगा। ऐसा योग आपकी कुंडली में बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके जीवन में मंगल के साथ थे आपको प्रभावित कर रहा है। एक ओर तो आप धन कमाएंगे, सुख पाएंगे, आपके लिए तरक्की उन्नति का रास्ता भी खुलेगा, भाग्य के सितारे भी आपके चमकेंगे, पर आपकी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है कि आज आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा सकता है। तो आज आप थोड़े संभल कर रहें, थोड़े सावधानी से अपने काम को करें, बाकी सब कुछ आपके लिए आज शुभ फल देने वाला साबित होगा। धन स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है जब पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति और पुष्य नक्षत्र का शनि आपकी जीवन को प्रभावित करता है। अद्भुत संयोग आपकी कुंडली में इस समय दिखाई दे रहा है। एक ओर तो बुध राहु बृहस्पति की युक्ति है, वहीं दूसरी तरफ शुक्र को छोड़कर चंद्रमा 8:27 के बाद मंगल के साथ गोचर करेगा, यानी बेहतर समय भी आपका होगा, लकी डे भी होगा, धन सुख भी प्राप्त करेंगे, सफलता कामयाबी भी पाएंगे, पर आपके जीवन में कलंक का योग बन रहा है, इसलिए थोड़े सावधान रहें। आपके कार्य की प्रशंसा भी होगा, आपके घर परिवार में स्थिति अच्छी होगी, लाभ की संभावना होगी, धन कमाने का अवसर भी मिलेगा, और आज के दिन आपके जीवन में एक नई शुरुआत भी होगा, क्योंकि आज पुष्य नक्षत्र है। शाम 5:20 के बाद वृद्धि योग है। कहते हैं वृद्धि योग में बेहतर शुरुआत होती है, भाग्य का साथ मिलता है, आपके महत्वपूर्ण काम पूरे होते हैं, आपको बड़ी सफलता मिल जाती है। पुष्य नक्षत्र का शनि आपके भाग्य को बदलने लगता है। वही आज आपकी कुंडली में बृहस्पति शनि का प्रभाव है, राहु की छाया, मंगल शुक्र की दृष्टि है। घर में खुशियों का माहौल होगा, फैमिली लाइफ बेहतर होगा, पत्नी के साथ आपके संबंध बड़ा मधुर होंगे, संतान की तरक्की भी होगी, आप मेहनत से काम भी करेंगे, सुखी जीवन भी होगा, उत्साह भी आपके जीवन में बढ़ेगा, आपके अधूरे काम भी पूरे होंगे, नौकरी बिजनेस भी अच्छा चलेगा, यानी हर तरह से आज का दिन आपके लिए सुख सौभाग्य लेकर आएगा। पर आज कलंक का योग है, तो आपको थोड़ा बच कर रहना है, किसी के बात में इंटरफेयर नहीं करना है, अपने चरित्र को बेदाग रखना है, नहीं तो आज आपके चरित्र पर ही दाग लगेगा। ऐसा योग आपकी कुंडली में दिखाई दे रहा है, बाकी सब कुछ अच्छा है, आप बड़े भाग्यशाली होंगे। आज का दिन 4 चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी चंद्रमा है, द्वितीय चरण का स्वामी बुध है, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी बृहस्पति है। पंचमी तिथि को जब पुष्य नक्षत्र आता है तो शनि सुख देता है।
आज आप लाभ उठाएं, अच्छा समय है, बड़ा लाभ होगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे, भाग्य का सितारा भी चमकेगा। आज राहु काल 12:18 से 2:01 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर 6 है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:04 रवि योग, दोपहर 3:06 और विजय मुहूर्त दोपहर 2:35 अमृत काल 12:28 आपके लिए अच्छा होगा। पुष नक्षत्र में अच्छा लाभ होता है, पुष नक्षत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, पुष नक्षत्र में आप धन कमाते हैं, पुष नक्षत्र में भाग्यशाली बनते हैं। तो आज मेहनत से काम करें, जीवन खुशहाल होगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें, आपकी जीवन के कष्ट बाधा समाप्त होंगे, आपके लिए लाभ सौभाग्य का अवसर मिलेगा, आप भाग्यशाली होंगे। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।